हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर कई बार ऐसा आता है कि वो जो पुराना जमाना बीत गया है वो कितना खूबसूरत हुआ करता था, जो हमारा बचपन था वो कितना खूबसूरत हुआ करता था। उसके कई किस्से सामने आ जाते हैं कि उस समय पे ऐसा होता था, वैसा होता था। खासकर आज की वो जनरेशन जिनका बचपन 80s और 90s के अंदर बीता है, उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा समय देखा है। वो बचपन देखा है जो बेफिक्री से भरा हुआ था, जो दोस्तों से भरा हुआ था, जब एक ग्राउंड के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के खेल हुआ करते थे। छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, आंख मिचोली, सत्तोलिया और बहुत सारे खेल तो हम लोगों ने खुद ने इजाद किए हुए थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, ये सब हमारी आंखों से ही नहीं, हमारी जिंदगी से भी कहीं ओझल होता चला गया। और आज कई बार एक ऐसी ललक सी उठ जाती है कि एक बार वापस से वो बचपन देखने को मिल जाए, वो चेहरे की मासूमियत देखने को मिल जाए, हमारी जिंदगी के अंदर वो बेफिक्री वापस से आ जाए, एक बार वापस से वो जमाना देखने को मिल जाए जो वाईफाई और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर था पर इंसानों से बहुत करीब था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे आज के समय में एक बार वापस से वही समय रिलीव करने का मौका मिल गया, वही समय देखने को मिल गया। मैदान में बेफिक्र बच्चे दौड़ते हुए मिल गए, अलग अलग तरह के खेल इजाद करते हुए मिल गए, बुजुर्गों की महफिल आज भी मिल गई। और ये सब कुछ मिला मुझे हिमाचल प्रदेश के नौ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से प्यारे से गांव के अंदर, जिसका नाम है रकचम। इस गांव का नाम रकचम है। रकचम इसका मतलब ये होता है सर, ये जो नदी बह रही है ना सर, हाँ अभी तो ब्रिज है आज के टाइम में, और मतलब 1940 तक ये लकड़ी का ब्रिज भी होगा, मगर उससे पहले जब ब्रिज नहीं था तो यहाँ पत्थरों का पुल होता था, नेचुरल पत्थरों का पुल। ये जो रक का मतलब होता है पत्थर और छम का मतलब होता है पुल। रक्षम आने के लिए सबसे पहले आपको फ्लाइट से या फिर ट्रेन से, बस से चंडीगढ़ आना होगा, और फिर वहाँ से आपको इजीली या तो बाइक रेंट पर मिल जाएगी या फिर कार रेंट पर मिल जाएगी, या फिर HRTC की बसेस भी है जिससे आप रक्षम तक पहुँच सकते हैं। हालांकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है पर आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत है कि ये आपको थकने नहीं देते। कितने का भैया बड़ा ग्लास? बड़ा 60 का। बड़ा 60 का और छोटा? 40 का। 50 का। दो बड़े बना दीजिए। बहुत ही बढ़िया, एक एक और पी लो। पी लीजिए और।
क्या क्या है? तो राजमा चावल पहले खिला दीजिए। चावल बड़े अच्छे दिख रहे हैं। स्पेशलिटी क्या है राजमा चावल की? सीटू। तो मैं पहले राजमा चावल खाता हूँ फिर सीटू खाता हूँ। ये जगह का क्या नाम है इस जगह का? नाम बिखल्टी ठेउक में। अरे वाह, सियाराम सिड्डू। और सबसे ज्यादा लोग यहाँ सिड्डू ही खाने आते हैं। और ये है सिड्डू। ये मीठा वाला है कि ये मीठे वाला है? ये मीठे वाला है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर देगी पोस्ट दाना और देसी चक्कर, कोकोनट पाउडर, तिल। ये है स्वीट वाले सॉल्टी। ये सॉल्टी है। और सॉल्टी में क्या होता है? उसमें भी वो देगी पोस्ट, अफीम दाना, भंजीरी, देसी चक्कर। अच्छा, प्याज वगैरह कई जगह पे तो अखरोट वगैरह भी ऐसा भी डालते हैं ना? दाल के भी बनाते हैं। अच्छा, तो इसमें से सबसे स्पेशल कौन सा है? स्पेशल है जी। वाह जी वाह, मेरे को तो राजमा चावल खा के ही बड़ा मजा आ गया आपके। अभी दोनों चीज बाकी की भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या है? चटनी और देसी घी और मिर्च मिठाई। भैया कितने पैसे हो गए? हमारे दो राजमा चावल है, एक 170 बस। तो ये जगह थी ठियोग। ठियोग से पीछे से घी। मैं भी इतने सिड्डू खाए पर इतना टेस्टी नहीं खाया। घी मेरे को बहुत टेस्टी लगा। घी बहुत स्वाद, बहुत टेस्टी था। अंदर का मसाला भी बहुत बढ़िया था उसका। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। रक्षम जो है इंडिया का सेकेंड लास्ट विलेज है, और रक्षम के बाद आता है चितकुल जो इंडिया का लास्ट विलेज है। उसके बाद इंडो टिबेट शुरू हो जाता है। आ जा, सब मुंह पे बर्फ लगा ली, सब स्नो स्नो हो रही है। आ जा, साफ करने दे। क्या है? कहाँ से लगा के आया इतना है? अच्छा, ये सारा का सारा सेब का बगीचा। ये जितने भी सूखे सूखे पेड़ दिख रहे हैं ये इस मौसम में सूख जाते हैं ठंड की वजह से। ये आधे टाइम ऐसे रहते हैं, फिर फूल देने कब चालू करते हैं? जुलाई अगस्त के बीच में हमारा फूल आना शुरू हो जाता है। पूरी की पूरी वैली सेब के बगीचों से भरी हुई है। तो और इस तरफ में पूरा स्नो है। यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं ज्यादातर लोग। गाँव में है छोटा, तो मेरी मासी है।
अच्छा आपकी मासी जी है। गांव तो बहुत सुंदर है और गांव वाले बहुत प्यारे। नहीं मक्खन भी बहुत अच्छा था, मक्खन फ्रेश मक्खन था वो, फ्रेश एकदम लगा मुझे। हाँ जी राजवीर जी, कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ। अरे स्मार्ट लग रहे हैं बहुत, आप है स्मार्ट। तो रक्षम में आने के बाद में सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि इस छोटे से गांव के अंदर हमें रहना कहाँ पे है? तो जवाब यही है, ओसिया शंभू लॉज। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत माइनस के अंदर चला जाता है रात के अंदर, तो इस होटल के अंदर सारी एमिनिटीज़ है जो आपको गर्म रखेगी। हीटर्स है, रात में बॉनफायर है, वुडन रूम्स है, अच्छी चाय और कॉफ़ी है, और इस पूरे रीजन की शायद सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यही है। इवन अगर आप ट्रिप एडवाइज़र या कहीं और से इस जगह के रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है आपके रुकने के लिए। और दूसरी सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि ये जगह एक लोकलाइट को ही बिलोंग करती है। आपको मौका मिले तो आप यहाँ के ओनर के साथ उनके घर पर जा सकते हैं, यहाँ की लोकल डेलिकेसीज ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का रहन सहन देख सकते हैं, यहाँ के गांव देख सकते हैं, गांव वालों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक पूरी कम्युनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सब करने में बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। चिल्टे बोलते हैं, यहाँ का मुख्य ये फसल यही है। चिल्टा? हाँ जी। और ओगला का चिल्टा, सरसों का साग। सरसों का साग बनाया यहाँ? होता है क्या सरसों का साग? होता है जी, अपनी सब्जी सब्जी की लाइक। हमारी जितनी भी बॉडी में बीमारियां हैं, ठीक है, बस उसका एक ही दवाई है ये।